तो जालौन से आपको एक बड़ी खबर बता दें, बुलेटिन में बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। तो जालौन में भी नलकूप विभाग के कर्मचारी ने गुंडई की है, तो लगातार ये अपडेट आपको बता रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता के साथ बदसलूकी की ये खबर आपको बता रहे हैं। नलकूप विभाग में रियलिटी चेक करने पहुंची थी टीम, जिसके बाद संवाददाता से बदसलूकी हुई। रियलिटी चेक में अबेसेंस पाए गए कर्मचारी तो हाथापाई पर उतारू हो गए हैं, मोबाइल छुड़ाकर फेंक दिया। तो ये बड़ी जानकारी, जालौन में भी जलकूप विभाग ने ये बदसलूकी की। जालौन में भी कर्मचारियों ने गुंडई दिखाने की कोशिश की है, ये आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता के साथ बदसलूकी। तो हाथापाई पर भी उतर आए इस तरह का ये नलकूप विभाग का व्यवहार। जालौन में भी नलकूप विभाग के कर्मचारी ने गुंडई दिखाने की कोशिश की, तो लगातार आपको ये बता रहे हैं कि रियलिटी चेक में ये चीजें सामने आ रही हैं। जालौन में नलकूप विभाग के कर्मचारी ने गुंडई की, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। रियलिटी चेक में एब्सेंट पाए गए थे ये सभी कर्मचारी, जिसके बाद ये तिलमिलाते हुए नजर आए, हाथापाई पर उतर आए हैं, मोबाइल छीन कर फेंक दिया, और ये इस तरह का व्यवहार मीडिया के साथ कर रहे हैं। तो नलकूप विभाग में रियलिटी चेक करने पहुंची थी टीम, जिसके बाद इन लोगों का खुलासा हो गया, पोल खुल गई, जिसके बाद ये काफी गुस्से में तिलमिलाते हुए नजर आए, जिसके बाद इन लोगों ने हाथापाई पर उतर आए और मोबाइल छुड़ाकर फेंक दिया। आशीष तिवारी हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे कि जालौन में भी इस तरह की खबर आ रही है कि जलकूप विभाग अपनी मनमानी कर रहा है और फिर मीडिया के साथ बदसलूकी भी कर रहा है। सरकार ने सभी अधिकारियों को सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचने के निर्देश दिए थे इसी का रियलिटी चेक करने। जब जालौन इंडिया न्यूज की टीम जालौन के नलकूप विभाग पहुंची तो वहां पर देखा वहां का नजारा ही अलग था। कोई भी अधिकारी और कर्मचारी अपने केबल पर मौजूद नहीं थे। केवल अगर हम बात करें फोर्थ क्लास कर्मचारी जो वहां मौजूद थे, जिसके बाद जैसे ही हमने कैमरा चलाना शुरू किया तो हमें 10:20 हो चुके थे और हमने देखा कि एक्सियन जो निर्माण खंड है जगन्नाथ, वो भी मौजूद नहीं थे। इसके अलावा उनके पास एक असिस्टर बार है, वो भी मौजूद नहीं थे। ऊपर जो एक एक्सियन और बैठे हैं नलकूप फर्स्ट के हरदेव जी, वो भी मौजूद नहीं थे। इसके अलावा क्लर्क भी मौजूद नहीं थे। जैसे ही हमने पूरा वॉक थ्रू करके वहां की जो हकीकत जो है वो जनता को दिखाई, इसके बाद जो वहां के कर्मचारी मौजूद थे वो भड़क गए और उन्होंने अपने गुंडों को बुलाना शुरू कर दिया। और जो बाबू के सब पे तैनात थे जो कर्मचारी, उन्होंने लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों को बुलाना शुरू कर दिया और हमारे कैमरे के ऊपर हाथ लगाना शुरू कर दिया और हमसे परमिशन मांगना शुरू कर दी। इस मामले में जब हम लोगों ने उनसे कहा कि हमारे पास परमिशन है, जिस तरीके योगी सरकार जो है आदेश दिए हैं कि अधिकारी 10 बजे ऑफिस से पहुंचेंगे, इसके बाद लेकिन इसके बावजूद वो गुंडाई को उतारा, उन्होंने मोबाइल छीनना शुरू कर दिया और धक्का देते हुए कैंपस से बाहर निकालना शुरू। निश्चित तौर पर योगी सरकार लाख आदेश दे रही होगी, अधिकारी कर्मचारी समय पर पहुंचकर जनता की सुनवाई करेंगे, लेकिन जब उनका हाल ही देखा साफ तौर पर देखा जाता है किस तरीके से मीडिया कर्मियों से बदतमीजी और गुंडाई पर सवार है, निश्चित तौर पर आम जनता क्या हाल होता होगा। जी निहार का आशीष, आप तो जानना चाहेंगे कि ये कर्मचारी कहां मौजूद थे, ऑफिस में तो ये थे नहीं, तो ये क्या कर रहे थे? निश्चित तौर पर बिल्कुल निहार का साफ तौर पर आप बता देंगे, ये कर्मचारी जो है वो सब अपने ऑफिस में मौजूद नहीं थे, लेकिन कर्मचारी ये सब कहीं बाहर खड़े थे, कहीं कोई पान की दुकान पर सिगरेट पी रहा था, कहीं कोई वहां पर खड़े थे, आपस में गुट लगाकर बाहर छाई धूप बाहर खड़े हुए थे। निश्चित तौर पर जैसे ही हम लोग यहाँ अंदर पहुंचे, इसके बाद जैसे ही लोगों ने फोन करना शुरू कर दिया एक दूसरे को और फोन करते करते 10 मिनट के अंदर सारे अधिकारी कर्मचारी ये जो है, जो कर्मचारी फोर्थ क्लास कर्मचारी और कुछ कर्मचारी और कुछ बाहर के लोग भी इसमें देखे गए हैं साफ तौर पर, वो जो ठेकेदार बताए जा रहे हैं साफ तौर पर वो वहां मौजूद हो गए और सभी हाथापाई उतारू हो गए और उनका यह कहना होगा कि आप किस तरीके से वीडियो बना रहे हैं, आप हमारी हकीकत को, पहले तो उन्होंने इसका प्रयास भी किया कि आप कर ले और हमारे अधिकारी कर्मचारी आने ही वाले हैं, पहले वो ये साफ तौर पर ये कहते रहे, लेकिन जब हम लोगों ने कहा कि नहीं ये वीडियो बन चुका है, हम लोग जाने जैसे हम लोग निकलने को तैयार हो तो उन्होंने हमारा रास्ता रोक लिया और निकलने नहीं दिया और सब चैनल बंद कर लिया, हम लोगों को अंदर बंद कर लिया। जी उसके बाद जैसे ही हम लोगों ने फिर हम लोगों ने फोन लगाना शुरू किया तो उन्होंने हमारा मोबाइल छुड़ा लिया, हम लोग बाहर निकल आए। जी निहार क्या आशीष, आपको बना के हम रख रहे हैं और फिलहाल हम आपको ऑडियो सुनाते हैं कि किस तरह की बदसलूकी की गई है। परमिशन है,
आशीष, हम वीडियो भी दिखा रहे थे, ऑडियो सुना रहे थे, जिससे साफ नजर आ रहा है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हेलो आशीष, आपको आवाज आ रही है? आशीष, आपको आवाज आ रही है? चलिए आशीष से हम दोबारा जुड़ेंगे। फिलहाल आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं नलकूप विभाग के कर्मचारी किस तरह से बदसलूकी कर रहे हैं। एक तो अपनी गलती और उसके बाद मीडिया से इस तरह की बदसलूकी कर रहे हैं। आशीष, हम वीडियो देख रहे थे, ऑडियो भी लगातार जनता को सुना रहे थे। डीएन चांदनी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रही हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि एक तो ये लोग एब्सेंट नजर आए, उसके बाद मीडिया से बदसलूकी भी कर रहे हैं, किस तरह का व्यवहार है? जालौन की डीएम हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रही हैं, चांदनी सिंह। आपसे जानना चाहेंगे कि हम ये लगातार वीडियो देख रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं, एक तो ये लोग ऑफिस में प्रेजेंट नहीं थे, एब्सेंट थे, और ऊपर से फिर मीडिया के साथ इस तरह की बदसलूकी भी कर रहे हैं। तो जालौन में भी ये नलकूप विभाग के कर्मचारी की गुंडाई नजर आए, रियलिटी चेक में एब्सेंट पाए गए थे कर्मचारी, जिसके बाद मीडिया ने जब वीडियो बनाया तो उसके बाद ये लोग तिलमिला गए। आशीष, आपका रुख करते हैं। आशीष, आपसे जानना चाहेंगे कि हम वीडियो देख रहे हैं, ऑडियो भी सुन रहे हैं लगातार, और ये तो उसी तरह की हरकत हो गई कि भाई चोरी भी की है और ऊपर से सीना चोरी भी कर रहे हैं। बिल्कुल नेहा का, जिस तरीके से ये अधिकारी जो कर्मचारी जो है, जिस जैसे इनकी पोल खुलती नजर में आई, एक तो ऊपर से चोरी कर रहे हैं, मतलब समय की चोरी कर रहे हैं, टाइम पर नहीं पहुंच रहे हैं, और जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। निश्चित तौर पर जैसे इनकी चोरी खुलती सामने आई है और ये लोग भड़क गए हैं और उन्होंने अपनी पोल न खुले, इसको लेकर के निश्चित तौर पर मीडिया के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी, ताकि हमारी जो अंदर की बातें हैं वो बाहर ना हो। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 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 आप सही थे कि कर्मचारी मौजूद थे, अधिकारी मौजूद नहीं थे, कर्मचारी अगर ऑफिस में मौजूद थे तो उनको बदतमीजी करने की क्या आवश्यकता थी? आप अगर मौजूद थे तो आप कैमरे में साफ तौर पर दिख रहे थे, लेकिन उनको उन्होंने अपने अधिकारी के पक्ष में, अपने कर्मचारी, अपने अधिकारी खास बनने के चक्कर में निश्चित तौर पर इन्होंने नेक्सस बनाया और अपनी अपनी कुर्सी छोड़कर आ गए और वहां पर हंगामा। आशीष, आपसे बाद